लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बी डी मिश्रा ने करगिल हाउस बिमना में एडिशनल ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन के साथ साथ और भी जो बाकी ऑफिशियल्स वो मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ सीसी रजिस्ट्री करगिल फिरोज अहमद खान साहब खुद हैं और उनके हमरा डीसी करगिल साहब भी। समाज से जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो एडिशनल ब्लॉक बना है इससे यहाँ के लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है और इसकी क्या कैपेसिटी? देखिए, एडिशनल ब्लॉक आपका पहले हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे करगिल हाउस था। एक तो है कि बहुत पुराना बिल्डिंग हमारे पास जो 80s में बना हुआ, उसके बाद फिर 2004-05 में हमने एक एडिशनल ब्लॉक और बनाया। तो आपको खुद मालूम है कि फिर भी उसके बावजूद भी जो यहाँ पे हमारे करगिल के लोगों का जो यहाँ पे आना जाना रहता है, जैसे हमारे पेशेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे बिजनेसमैन जो भी आते हैं, तो क्योंकि श्रीनगर नज़दीक होने की वजह से मतलब इजीली लोगों को एक्सेस है, तो यहाँ एकोमोडेशन की डिमांड जो है वो दिन बे दिन जब बढ़ा तो फिर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भेजा हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि एडिशनल ब्लॉक के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लैंड जो है वो अवेलेबल था, तो उसको उन्होंने सेंक्शन करते हुए 2021 समर में हमने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। लेकिन एक्चुअल काम जो है आपका 2021 दिसंबर में हुआ और ये एक रिकॉर्ड टाइम में जो है आपने खुद देखा कंप्लीट हुआ है, और जिसमें अभी हमारे पास G+3 यानी 4 मंजिला जो बिल्डिंग है जिसकी कैपेसिटी, इसमें हम 60 जो हमारे लोग हैं उसको एट ए टाइम इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसमें रूम्स भी हैं, डॉर्मेटरीज भी हैं, किचन भी है, डाइनिंग हॉल भी है, VIP रूम्स भी रखे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक रखा है हमने मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें जिसका जो अगर आप आर्ट देखेंगे, जिसका आर्किटेक्ट देखें, जिसको हम ख़त्म बंद बोलते हैं आपका, जो कि बहुत ही एक मशहूर कश्मीरी आर्किटेक्ट होता है, वो भी यहाँ पे लगा है। और ये जो मल्टीपर्पज़ हॉल जो हमने बनाया है, ये यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसके अलावा जो हमारे कोई भी फंक्शन यहाँ पे करना होगा हमारे स्टूडेंट्स को या लोगों को, उसके लिए भी ये काम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए, हमारे करगिल के लोगों के लिए एक चीज़, एक बहुत ही अच्छी एक एसेट आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे, जैसे बाकी भी हमारे हैं जैसे जम्मू में हैं, और बहुत एक अभी हमारे जम्मू दिल्ली में हमारा एक द्वारका में बनने जा रहा है। तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा जो है हर कोई लेता है, चाहे वो पेशेंट हो, स्टूडेंट हो। तो आज की बिल्डिंग का जो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की है, जिसमें हमारे साथ हमारे करगिल से जो यहाँ पे आए थे हमारे EC साहबान थे, हमारे काउंसलर साहबान, DC साहब, SC साहब वगैरह। तो मैं सबसे पहले तो एक तो UT एडमिनिस्ट्रेशन का लिबरल फंडिंग जो उन्होंने किया उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा जो हमारी एजेंसी है RNB, वो शॉर्ट टाइम बहुत ही कम समय में इन्होंने इसको कम्प्लीट किया, जिसमें हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, साहू साहब, हमारे DC साहब वगैरह की जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, उसका रिजल्ट है कि हम इतने कम समय में इतना अच्छा जो बिल्डिंग हमने यहाँ पे बनाया है। तो इसके हमारे ऑनरेबल LG साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है। तो इसके अलावा हमारे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं आपका दिल्ली में हो, जम्मू में हो वगैरह, तो उसके लिए आज LG साहब ने हमको एश्योर किया कि उसमें फंडिंग की कोई कमी नहीं हो। सर, बिल्डिंग बनने के बाद इसकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, तो उसके लिए किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा और मैनेजमेंट रहेगा? दूसरी जानब, इस तरह से हम लोगों से बात करते थे, उनका कहना था कि जो प्राइस है वो बहुत रिजनेबल होना चाहिए,
आम लोग और गरीब तबके के लोग भी आके यहाँ बैठ पाए, उसके लिए क्या देखिए है तो हमारा, मैंने पहले भी कहा था, मैंने एलजी साहब के सामने भी कहा कि ये खासकर उन लोगों के लिए है जो बड़े बड़े होटलों में एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए, आम पब्लिक के लिए। लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि हम बहुत ही लो रखें, कम से कम इसका मेंटेनेंस वगैरह निकलना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इसको आउटसोर्स करेंगे, और जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है इतना खूबसूरत बिल्डिंग और इतना खर्चा करके बनाया है, तो इसका सही मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अभी डीसी साहब ने हमारे जो आरएनबी को है उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो एक ड्राफ्ट बना के पेश करें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मैनेजमेंट, इसके प्राइजेस क्या रखें, और ये अश्योर करते हैं कि जो लोगों के मतलब एक हिसाब से रखा जाएगा, कोई हाई प्राइस हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये कोई होटल के माइंड से हमने नहीं बनाया, आम लोगों के फ़ायदे के लिए। लेकिन साथ में ये भी है कि लोगों को भी कॉपरेट करना है, और लोगों से मेरी अपील है कि उनको ये समझना है कि हमारा अपना एसेट है, ये कोई सरकारी नहीं है, जितना आप इसको मेंटेन करेंगे उतना हमारे लोगों के फ़ायदे में। एलजीसी का क्या सोच है, जो ओल्ड बिल्डिंग है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है, उसको लेके? देखिए ओल्ड बिल्डिंग का हालत ख़राब है वो इसलिए भी है कि आपको मालूम है 2014 में यहाँ पे जब फ्लड आया था तो यहाँ पे भी पानी भरा था, तकरीबन ऑलमोस्ट एक फ्लोर यहाँ पे पानी था। तो ये आप इतना काबिल नहीं है कि लोगों को हम यहाँ बिठाया जाए, तो हम रिकमेंड करेंगे कि इसको डिसमेंटल करके इसके जो सामने जो हम दोनों बिल्डिंग के बीच में जो है एक पार्क बनाएंगे जहाँ लोग आराम से बैठ पाएंगे। तो ये हमारे डीसी साहब प्रपोजल बना के भेजेंगे और उसमें एक रीज़न ये देंगे, क्योंकि ये फ्लड उसमें रहा था तो अभी मतलब लोगों को इसमें बिठाने के काबिल नहीं है। जैसे अभी एलजी साहब ने भी देखा बिल्डिंग को देख के, कि उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बिल्डिंग इतना अच्छा बना है तो एक बिल्डिंग सामने, वो नहीं होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको क्योंकि एकोमोडेशन अभी हमारे पास है तो इसको डिसमेंटल करके सामने एक अच्छा सा पार्क बनाएंगे। लोगों की और एक भी मांग थी कि सर फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन है उनको कमरे में। फेवरेटिज्म तो कोई होगा, कौन सा फेवरेटिज्म होगा इसमें, क्या है आपको, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। हाँ, जो वीआईपी रूम जो रिजर्व रखें उसमें जो खास लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं या काउंसिल से आते हैं, जहाँ से आते हैं वो लोग वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज कोई फेवरेटिज्म आज तक नहीं हुआ तो आज क्यों होगा। और सबसे बड़ा मैंने पहले भी कहा कि ये आउटसोर्सिंग होगा तो फिर एक एजेंसी हैंडल करेगा इसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्लस 3 का बिल्डिंग यहाँ पे इनॉग्रेट किया है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बी डी मिश्रा और उनके साथ साथ लद्दाख होटल मसील डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, और उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं एलएजीसी करगिल के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और साथ साथ जो महकमे के जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो लोग हैं आज के इस इनॉग्रेशन सेशन में शिरकत कर रहे थे। थोड़ा सा पैरशिप में हमको लगी तो कहीं ये ना हो जाए कि नई बिल्डिंग में तो 4 वीआईपी लाउंज बन गए और पुरानी बिल्डिंग का प्लास्टर गिर रहा है, वो नहीं हुए, वो एनोमली हो। तो इस तरीके से, और जो हमारे एमपी साहब का एक सजेशन था जो भी ये फिरोज खान साहब ने भी उसको दोहराया, वो बहुत अच्छी आइडिया है, क्योंकि पेशेंट को अगर एट हैंड इमीडिएटली। चलिए, आपने सुना लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने करगिल हाउस बिमिना में जो नया ब्लॉक बना है करगिल हाउस का, उस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको इफ्तिताह करने के बाद क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे करगिल हाउस बनने के बाद जो नया ब्लॉक बना है उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है और उनकी क्या ओपिनियन है इस नए ब्लॉक को लेकर, उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, आपका नाम? मोहम्मद हुसैन, मैं पॉइंट का नमदार हूँ जी। तो नमदार साहब, आपसे जानना चाहेंगे नया जो हमारा ब्लॉक बना है करगिल हाउस का, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है, इससे लोगों के लिए कितना फ़ायदा हो सकता है और आप लोगों की क्या मांग रहेगा इसके लिए? हमारा यही है रिक्वेस्ट है, जो जिन्होंने बनाया है सीसी साहब ने, किसी ने भी कोशिश करके ऑफिसरों ने बनाया, उनका बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी मेरा कहना ये मानना ये है जितना ये कमरे बने हुए इधर जो फैसिलिटी है वो सब पब्लिक को मिले, मुझे बहुत आश्वासन है। जो ऑफिसर है जो इधर चलाने वाला है, मुझे पूरे यकीन है कि सबको बराबरी मिल जाएगा, इसमें अमीर नहीं गरीब नहीं। उसके लिए मैं ए सी सी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ और ऑफिसरों से भी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से नया बिल्डिंग बनने से यकीन लोगों को फैसिलिटी तो होगा ही, जो इस तरह की बिल्डिंग बनने से वहाँ पर खासकर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको किस तरह के फ़ायदा मिल सकता है? उनको तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके लिए और अच्छा होगा। पहले बिल्डिंग बनी हुई है, उनके लिए भी हद से ज़्यादा फैसिलिटी भी है इसमें, बहुत मैंने कमरों में देखा, अच्छा खासा फैसिलिटी है। मैं यही उम्मीद रखता हूँ डीसी साहब से भी और
ये सीसी साहब से भी, इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए, कोई सिफारिश नहीं किसी का वो नहीं होना चाहिए, बस धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्टूडेंट भी हमारे साथ है, आपका नाम बेटा? मोहम्मद अली। आप कहाँ से? मैं शिलिक्स से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो नया बिल्डिंग बना है इससे कितना फ़ायदा मिल सकता है स्टूडेंट, और आपका क्या मांग रहेगा स्टूडेंट? सबसे पहले ना बहुत बहुत देना सूँ कि दिया सोमा बिल्डिंग तक से आता रियाला सूँ दो ना सनाती करगिल नदी उनखने फुसा शाम से फन किया जाती बिल्डिंग को दान माने सखत फन किया सुन सुन की क्या जबाना सीसी साहब डीसी साहब अच्छे गुजारी शुक्र अदा बेत की अच्छा दिका दिस अल्लाह बिल्डिंग सो मातंस बाकी शुक्रिया अदा भेजू। जी जी, चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे हाजी साहब में मोहम्मद अली। मैं खान ऊँचिन दो नहीं ना सबसे कम रेट लूजना फायदा तो पाया था मैंने हाई रेट जाना ना खुना मैंने होटल लूना जो सोच रेट चीन दरबियान जी जा पहुँचा दूँ हिसाब चीन छा पहुँचा दूँ दो लूजना ना फायदा तो पाया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ लोग बात कर रहे थे और उनका कहना है कि ये नया ब्लॉक बनने से लोगों को, पेशेंट्स को और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इनकी एक अहम मांग ये है कि रेट में हाइक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेट रीज़नेबल रहना चाहिए ताकि जो नीडी लोग हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी अफोर्ड करके करगिल हाउस के इस बिल्डिंग में बैठ सके। करगिल, I extend a very warm welcome to Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Brigadier Dr. B.D. Mishra sir. Thank you sir for gracing this occasion where the additional block at Kargil House Srinagar is being dedicated to the people of Kargil, Ladakh. I extend most cordial welcome to Honorable CEC LHDC Kargil, Janab Firoz Ahmed Khan sahab and Honorable Member of Parliament, Shri Jamayan Siring Namgyal sir. I also welcome the Honorable Executive Councillors LHDC Kargil, Janab Mubarak Shah Naqvi sahab, Aga Mehdi sahab, Tashi sahab and Gulam Mehdi Saab, Honorable EC LHDC Leh. We thank you for your graceful presence on this occasion. It is my pleasure to welcome Advisor to Honorable Lieutenant Governor Shri Umang Narula sir, Commissioner Secretary Ajit Sahu sir. Thank you sir for guiding and regularly monitoring the progress because of which this project could complete in a record time. I also welcome Secretary to LG Ravinder sir and Chief Engineer PWD on this occasion. At last but not the least, I welcome all the officers, officials, people of Kargil and friends from media who have joined us today. Sir, keeping in view the increasing demand of people of Kargil, the UT administration sanctioned this project in the year 2021 and in a record period of 1 year, the construction of this building was completed. It will provide affordable accommodation to people of Kargil, Ladakh, especially the students and patients. Sir, the additional block has accommodation for 60 people, a multi-purpose hall, dining area and a control room facility. The property has been equipped with CCTV cameras for round-the-clock security, a public address system for simultaneous announcement on all the floors. Besides, it has been made accessible for persons with disabilities. I once again extend my warm welcome to all the respected dignitaries and extend my heartiest congratulations to the people of Kargil. Thank you, sir. Jai Hind. Dr. B.D. Mishra sahab, Honorable Member of Parliament Ladakh, Janab Jamyan Siring Namgyal sahab, mere saath yahan pe baithe hue LHDC Kargil ke Honorable Executive Councillors, Janab Mubarak Shah sahab, Aga Mehdi sahab, Tashi sahab, Honorable Councillors, aur hamare Leh ke Executive Councillor, Janab Mehdi sahab, हमारे एडवाइज़र टू ऑनरेबल एलजी जनाब उमंग नरोला साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू साहब, हमारे सेक्रेटरी रविंदर साहब और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी चुंबल साहब और जितने भी मेरे साथ यहाँ पे यहाँ करगिल हाउस भीमना में हमारे करगिल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सबको अपनी तरफ से सलाम व जुले पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और पूरे करगिल के अवाम की तरफ से जनाब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि हमारे दावत पर आज इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, ये जो हमारा यहाँ पे करगिल हाउस का जो एडिशनल ब्लॉक बना है
उसके जो इनाग्रेशन है वो आपने मुबारक हाथों से आज उन्होंने किया सर, उसके लिए हम आपके बहुत ही मशहूर ममनून हैं। और साथ ही हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हम बहुत मशहूर हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ें, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं और जो शॉर्ट टाइम में बन रहे हैं, ये तभी मुमकिन हो पाया है जब हमारे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी, जब लिबरल फंडिंग हुई, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। और हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मशहूर हैं कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम अपने कैपेक्स में हम एकोमोडेट नहीं कर सकते थे, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके इम्पोर्टेंस को समझते हुए, हमारे रिक्वेस्ट को समझते हुए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इनको रिफ्लेक्ट किया। और उसका नतीजा आज आप यहाँ पे देख रहे हैं सर कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 21 में हमने इसका 21 दिसंबर में हमने ये इसका फाउंडेशन स्टोन तो हमने 21 में रखा था सर, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड इसका एक्चुअल काम जो है वो दिसंबर 2021 से शुरू हुआ। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है इतना अच्छा एक एसेट यहाँ पे बना है। उसके लिए मैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो हमारा है PWD या R&B का है, उनको हम मुबारकबाद देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, जिसको हमारे कमिश्नर हमारे अजीत कुमार साहू साहब कमांड करते हैं, उन्होंने भी इसको रेगुलरली मॉनिटर किया और वो पर्सनली यहाँ पे उन्होंने विजिट भी किया है। और उसके साथ साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, यहाँ हमारे EC वर्क्स हैं, हम लोगों ने इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया और इसी का नतीजा है कि आज यहाँ पे जो है कम्प्लीट होके करगिल के अवाम के लिए सर आप इनको आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो करगिल हाउस का जो इम्पोर्टेंस है वो तो MP साहब ने डिटेल बता दिया है आपका। करगिल हाउस हमारा एक श्रीनगर में है, एक हमारा जम्मू में भी है सर। ये मेनली जो है इसका जो यूटिलिटी है वो है हमारे पेशेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे हाजी साहबान बाहर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें उस वक्त इनका फ़ायदा मिला जब कोविड में हमारे जो लोग फंसे हुए थे आपके इंडिया के कोने कोने में, जब हमने उनको वहाँ से लाया तो हमने, क्योंकि सारे होटल्स वगैरह यहाँ पे बंद थे, कोई एकोमोडेशन नहीं मिलता था, तो सारे लोगों को हमने करगिल हाउस श्रीनगर जम्मू में उनको एकोमोडेट किया। उसके अलावा जो इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ज्यूरिंग SSC एग्जाम्स, जब SSC के एग्जाम्स के लिए हमारे बच्चों को श्रीनगर जम्मू जाना पड़ा, तो उनको हम लोगों ने करगिल हाउस श्रीनगर, करगिल हाउस जम्मू में जो है हमने इनको एकोमोडेट किया सर। इसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ ये बताता चलूँ आपका, करगिल हाउस के अलावा भी हमारे कुछ एसेट्स यहाँ श्रीनगर में भी हैं, जम्मू में भी हैं। एक तो सर हमारा करगिल श्रीनगर में हमारा इस करगिल हाउस के अलावा हमारा एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हम एकोमोडेट किए हुए हैं। और हमारा करगिल हाउस एक जम्मू में भी है जहाँ पे 100 की कैपेसिटी है। और जम्मू में हमारा एक बॉयज हॉस्टल है सर छनी रमा में, जहाँ पे 200 स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे आपका एकोमोडेट किए वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और यूटी बनने के बाद चूंकि फंडिंग अच्छा हुआ तो वहाँ पे हमारे बॉयज हॉस्टल में डिजिटल लैब, कंप्यूटर लैब, एम्बुलेंस, वो सारे हमने प्रोवाइड किए हैं हमारे वहाँ जम्मू में स्टूडेंट्स के लिए। और हमारे जम्मू में सिदरा में गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है सर, उसका भी इनॉग्रेशन बहुत जल्दी होगा। वहाँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक बार फिर यहाँ का जो ये जो एडिशनल ब्लॉक बना है सर, ये एक बिल्कुल ही एक यूनिक चीज बना है। अगर आप इसका आर्किटेक्ट देखें और इसमें जो भी चीजें जो यूज किया गया है और क्वालिटी जो है इसका बेहतरीन क्वालिटी है। और जहां पे हम अभी बैठे हैं आपके जो मल्टीपर्पज हॉल, ये बिल्कुल इसका आर्किटेक्चर जो है वो एक देखने के काबिल है। और ये जो हॉल है हम हर पर्पज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और कोई भी फंक्शन हो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ये 3+G+3 है और इसमें जो आपके हमारे जो स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनके लिए भी प्रोविजन रखा है, इसमें लिफ्ट का भी प्रोविजन रखा गया है। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा सर LG साहब से कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे अभी बनने जा रहे हैं उनको प्रायोरिटी देकर फंडिंग किया जाए। और मैं एक चीज आपके ध्यान में ये देना चाहूंगा कि जो हमारा करगिल का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 2012 में शुरू हुआ था, 2012 से लेकर बिकॉज ऑफ फंडिंग वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन यूटी बनने के बाद जब लिबरल फंडिंग हुआ तो वो हॉस्पिटल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा नया हॉस्पिटल वहां पे शिफ्ट हुआ है सर। इसी तरह बड़े 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 प्रोजेक्ट्स हमारे बन रहे हैं, जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उनको भी जो है लिबरल फंडिंग पहले भी किया है। अफसर साहबान, कुछ दिन पहले ये फिरोज खान साहब ने हमसे कहा कि एक इनॉग्रेशन होना है और वो एक नई बिल्डिंग बनी है श्रीनगर में, तो उसका आप इनॉग्रेशन करिए। तो मैंने कहा भाई
इनॉग्रेशन करना तो बहुत अच्छी बात होती है, फाउंडेशन लगाना थोड़ा सा रिस्की होता है कि पता नहीं बने ना बने, लेकिन जो इनॉग्रेशन है वो तो सामने पेश होता है तो बड़ी खुशी होती है। तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगा और वही मौका आज है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये हमारे फिरोज अहमद खान साहब काफी प्रोग्रेसिव आदमी है और काफी अवाम के लिए काम कर रहे हैं। तमाम चीजें जो उन्होंने बताई वो भी काफी अच्छी हैं, अवाम के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नई बिल्डिंग बनी है रिकॉर्ड टाइम में बनी है, और मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं लेकिन मुझे लगता है कि खर्चे भी कॉम्पिटिटिव हुए हैं, इसमें कोई वेस्टेज ऑफ फंड नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जहां तक और जो प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए फंड की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कि हमारा ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी ये तो लैंड लॉक्ड है, हम सबसे ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए हैं और जाने के लिए रास्ते भी बहुत कम है, और हमारे लोग हमारे आवाम को सुविधाएं भी काफी बाहर हैं, अपने आप ही इतनी डेवलप नहीं हुई है। तो आवश्यकता तो यह है कि हम अपने यहाँ सभी चीज डेवलप करें। हमारे दिमाग में यह भी आ रहा था कि एक न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें हम क्या आवाम के लिए कोई एक ऐसी मॉडल सुविधा उसमें बनाए। चलिए, श्रीनगर में करगिल हाउस का नया ब्लॉक बना है बेमिना में, और इस वक्त मैं इंटीरियर में हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिखाना चाहेंगे। इस बिल्डिंग को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया है और जो इंटीरियर पार्ट है उसको बहुत अच्छे से बनाया, आप देख सकते हैं। लिफ्ट सिस्टम भी यहाँ पे रखा है ताकि जो 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 लोग चल नहीं पाते हैं या चलने में दिक्कत होता है उनको आसानी हो। और उसके अलावा ये पार्ट जो है ये रिसेप्शन वाला पार्ट है, और साथ साथ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मैनेजर का रूम है, और आपको दिखाते चलूँ, कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मैनेजर का रूम किस तरह से इन्होंने बनाया है। और उसके अलावा जो दूसरे जगह हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये डाइनिंग हॉल है, और डाइनिंग हॉल का मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से इस डाइनिंग हॉल को सजाया है, ऐसा लग रहा है कि किसी होटल का के डाइनिंग हॉल का मंजर है। और आप देख सकते हैं डाइनिंग हॉल बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। चलिए हम आपको किचन में लिए चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये करगिल हाउस के नए ब्लॉक का किचन है। यकीनन ये बिल्डिंग बनने के बाद लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, और किचन को बहुत अच्छे से बनाया है, नए डिज़ाइन के साथ इस किचन को बेहतरीन तरीके से बनाया है, इससे लोगों को बेहतरीन यकीनन फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो लोगों की डिमांड थी, हमने जब हम लोगों से बात कर रहे थे, उनकी अलग अलग जो डिमांड्स थी वो अगर मद्देनज़र रख के लोगों को फैसिलिटी पहुंचाया जाए तो यकीनन लोगों को बहुत इस बिल्डिंग से फ़ायदा मिल सकता है। तो हम आपको सीधे सेकंड फर्स्ट फ्लोर में लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर का मंजर कैसा है। चलिए फर्स्ट फ्लोर है, और दूसरी जगह जिस तरह से आप जानते हैं करगिल हाउस जम्मू हो श्रीनगर हो, यहाँ पे चोरी के वारदात बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के सामान जो है वो घूमते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मेरे पीछे सीसीटीवी का जो इंतज़ाम है वो जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी का इंतज़ाम इन्होंने किया है, और ये डोरमेट्री फर्स्ट हैं और ये 6-bedded डोरमेट्री हैं, और बहुत अच्छे से इस डोरमेट्री को बनाया है, और लोगों को यहाँ आने के बाद यकीनन काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, और इस बिल्डिंग में काफ़ी लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो फ़िलहाल ये रूम है, रूम का मैं 2-bedded एक रूम का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं ये 2-bedded रूम है, और रूम बहुत अच्छा है, बेहतरीन तरीके से इस रूम को बनाया है। बट एक चीज़ जब हम लोगों से बात करते हैं उनका कहना था कि बिल्डिंग तो बनते हैं लेकिन इसके बाद उसका मेंटेनेंस का एक अहम इशू रहता है, उसके ऊपर यकीनन गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी जानब जो लोगों की डिमांड थी कि जनरली जो रेट है वो रिजनेबल होना चाहिए ताकि कोई भी आए वो एफर्ड कर सके। तो ये 3-bedded रूम है, आप देख सकते हैं 3-bedded रूम है, यहाँ पर बहुत अच्छे से इस यहाँ पर जितने भी कमरे हैं इनको बनाया है। तो आपको बताते चले इस पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे रूम्स जो हैं वो होंगे, टोटल जो है कैपेसिटी होगा आपको ग्राउंड फ्लोर लगा के 4-story बिल्डिंग है, और उसके अलावा
60 persons के लिए यहाँ पे कैपेसिटी है, और उसके अलावा जो है VIPs जो हैं उनके लिए भी अलग से कमरे यहाँ पे बनाए हैं। तो ये 4-story बिल्डिंग है, G+3 यानी ग्राउंड फ्लोर लगा के 3 और फ्लोर इस पे चलाया है। तो इस वक्त हम VIP जो लॉन्च हैं यहाँ पे हैं, ये VIP लॉन्च हैं, ये वाला पार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये VIP लॉन्च हैं और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग VIP के लिए कमरा यहाँ पे बनाया है। ये देख सकते हैं VIP के लिए जो कमरे हैं वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसको बनाया है, इंटीरियर्स बहुत अच्छे से बनाया है, और उसके अलावा जो बेडिंग है, बाकी AC की फैसिलिटी, बाकी जिस तरह की फैसिलिटी VIP की होते हैं वो यहाँ पे मुहैया किया है, और साथ साथ बालकनी भी यहाँ पे रखा है VIP के लिए। चलिए, तो ये ख़ास रिपोर्ट हम आप तक श्रीनगर से आप तक पहुंचा रहे थे। बिमना में करगिल हाउस का नया ब्लॉक बना है और लोग काफ़ी खुश नजर हैं, लोगों से हमने बात करके जानने की कोशिश की, और उसके अलावा लोगों की कुछ अहम डिमांड्स भी थी उसके ऊपर, जो कंसर्न जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह की बातें हैं वो भी उन्होंने बताया। फ़िलहाल बने रहिए गुलिस्तान सब पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। मुदस्सिर के साथ मोहम्मद इसाक़।